अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग और कैसे रही आप लोगों की लास्ट क्लास की जो प्रैक्टिस की थी? और आप लोग कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज़ जो समझ में नहीं आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब तुम की तो आपने प्रैक्टिस की है तो आप शेयर करो ना मेरे साथ। आपका अगर कोई चीज़ कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो आप वो भी पूछ लो। ओके, एक्चुअली आज आप दो लोगों ने ही अभी तक ज्वाइन किया है तो बाकी सब तक रिकॉर्डिंग तो पहुंच ही जाएगी, इसलिए मेरा ख्याल है कि हम सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। आपका आपने कोई प्रोजेक्ट नेक्स्ट कोई एनिमेशन शेयर नहीं किया ग्वालियर? माय ब्लैक स्क्रीन एंड आपने आवाज हेलो। आ जी जी रही मेरी? जी 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 मैंने मिस गाली एंड आई डिड कंप्लीट द एनिमेशन। आप मुझे तो शायद क्लास के बाद भेजनी है। इफ यू वांट आई कैन सेंड इट राइट नाउ। आप मुझे अभी भेज दें, कोई मसला नहीं है। एक्चुअली ये एक मेरे लिए भी बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन होती है, मुझे पावर मिलती है एक तरह से कि आप लोग काम कर रहे हैं, आप लोगों को समझ आ रही है, तो मुझे मेरे लिए एक अच्छी चीज होती है ये, तो आप लोग प्लीज शेयर किया करें। अब्दुल मुकीत, आप प्लीज अपना दोबारा मुझे वही, अगर आपने ग्रुप में शेयर किया है तो मुझे आप दोबारा लिंक कर सकते हो, शायद मैं भूल गई हूँ। प्लीज मुझे ग्रुप में टैग कर दें उस मैसेज पे। ठीक मैम, आई एम अनेबल टू सेंड इट इन द ग्रुप। ओनली एडमिन्स आर आई कैन सेंड द मैसेज। ओके, आप मुझे पर्सनल में शेयर कर दो, मैं इनबॉक्स कर दो, या नहीं सुने आप मेल कर दें, मेल कर दें आप। ईमेल? जी, आप ईमेल कर दें, आपका जो ग्रुप डिस्कशन है वहां पे आपको ईमेल दिया हुआ है, वहां से आप मुझे मेल। ठहरे, मैं अब्दुल मुकीत आपका मैं चेक करती हूँ, आपने ग्रुप में शेयर किया था? ओके, वेट, ये रूट्स ऑफ नॉलेज के नाम से आपका तो नहीं है? ओके, ये बहुत अच्छा था, माशाल्लाह आप बहुत अच्छा काम किया हुआ था आपने। एक्चुअली आपका नाम यहाँ पे शो नहीं हो रहा था, इस वजह से मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो गई है इसमें। ये आपका काम मैंने देखा था, इसमें जो स्मोक आपने ऐड किया था वो बहुत अच्छा लग रहा था आपका। अगर स्मोक की ग्रीन स्क्रीन आपको मिल जाती है ना, तो ग्रीन स्क्रीन रिमूव करने का तरीका भी मैंने आपको बताया है कि आप किस तरह से ग्रीन स्क्रीन रिमूव कर सकते हैं, और ये ओवरऑल बहुत अच्छा लग रहा है। कलर्स जो है इसमें और आपकी जो एनिमेशन है स्मोक का आपने इसमें जो ऐड किया है बहुत अच्छा लग रहा है। आप इसी तरह से आज आपकी लास्ट क्लास है, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस जो है कंटिन्यू रखें, आपको बिल्कुल जो आपने सीखा है उसकी प्रैक्टिस जरूर करें ताकि। ओके, आपने 13 स्मोक ऐड किए थे, ठीक है, लाइक डिफरेंट एनिमेशन क्लिप्स लेके आपने उनको यहाँ पे जोड़ा था या एक एक को ही उसको डुप्लीकेट करके आपने यूज किया था? ओके, यूट्यूब से लिए होंगे, यूट्यूब पे इजीली ग्रीन स्क्रीन वीडियोस मिल जाती हैं, आप वहां से ले सकते हैं, या फिर आपके पास जो है ना डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। ओके, मैं चेक करती हूँ आपकी, आपने खुद बनाए हैं, ठीक है। आप मेरे साथ अगर माइक अनम्यूट करके कर सकते हो तो प्लीज आप मुझे बताओ कि आपने किस तरह से बनाए हैं, ताकि मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगी ये चीज कि आपने खुद बनाए हैं। हेलो मैम, अस्सलाम वालेकुम। जी, वेलकम साउंड। मैम बेसिकली ये हुआ था कि जब मैं इंटरनेट के गो थ्रू कर रहा था तो मैं पहले ही एक एनिमेशन बना रहा था जिसके अंदर मैं सारे करेक्टर्स को डिफरेंटली बना रहा था। इलस्ट्रेटर में ना मैं एक करेक्टर को बना के मैं आफ्टर इफेक्ट्स में उसको इंपोर्ट करवा के उसको एनिमेट करना चाह रहा था।
उसके हाथ अलग बनाए, उसके पैर अलग बनाए, सब कुछ अलग। पर फिर है ना, जब वो एनिमेट करने लगा ना, मैं तो मेरे ना कंप्यूटर में मस्त आ गया, मेरा कंप्यूटर बंद पड़ गया और जो सारा मेरा डेटा था वो सारा उड़ गया, क्योंकि मैं सेव नहीं करता, मेरा मेरी ये आदत होती है, मैं सेव नहीं करता कभी। तो मैं मुझे ना क्या किया कि मैं डिफरेंट एरियाज में गया, और ये जो आपने जो करेक्टर देखा था ना बीच में, वो एक करेक्टर नहीं है, वो मैंने पांच करेक्टर को एक साथ ज्वाइन किया हुआ है। तो जब मैंने उनको ज्वाइन कर लिया ना, तो मैंने बैकग्राउंड तो कहीं से भी उठा लिया था, बैकग्राउंड मुझे कहीं से मिल गया था अच्छा सा, और फिर मैंने वो बैकग्राउंड लगा के आगे वो उस करेक्टर को रखे, पपेट टूल को इस्तेमाल करके मैंने उसको थोड़ा सा वो एनिमेट कर दिया। और मैंने मेरे पास स्मोक एसेट्स रखे हुए थे, और मैं नॉर्मली इस्तेमाल करता रहता हूँ, जैसे कि मैंने आफ्टर इफेक्ट्स में VFX सीख रहा हूँ, एलिमेंट 3D इस्तेमाल कर रहा हूँ, और भी चीज़ें, सिनेमा 4D मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन एलिमेंट 3D वगैरह इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो उसके ज़रिए मैं एसेट्स बना लेता हूँ अपने ब्लैक स्क्रीन के। अच्छा, तो मैंने ये ऐसे करके इन सबको एक साथ एक कंबाइन किया, इन सब के ऊपर मैंने चीज़ें डाली, लेकिन फिर ना कलर ग्रेडिंग का मसला आ रहा था, वो बैकग्राउंड से मैच नहीं कर रहा था फ्रंट वाला, तो मुझे थोड़ी कलर ग्रेडिंग करके उन दोनों का मैच करना पड़ा था। अच्छा, बहुत अच्छा काम है। बहुत मैं इम्प्रेस हुई हूँ आपके, जो आपने स्पेशली जो स्मोक बनाया है वो बहुत अच्छा लगा मुझे। और आपने जो करेक्टर है आपका वो भी बहुत अच्छा बना हुआ है। लाइक फील नहीं हो रहा कि वो डिफरेंट करेक्टर्स को आपने इकट्ठा प्लेस किया। बहुत अच्छा काम किया आपने, बहुत अच्छा है। ऑल दी थैंक यू बेस्ट। मैम। आपकी आज की लास्ट क्लास है, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग आगे इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, ताकि जो आपने यहाँ पे टाइम लगाया है वो आगे फ्रूटफुल रहे आपके लिए। तो ठीक है। आप क्या पूछना चाह रहे हैं? ओके, मतलब अगर मैं बना के देना चाह रही हूँ तो ये आप ओके आप कर सकते हैं कांटेक्ट। बिल्कुल ठीक है। ओके, बहुत अच्छी बात है कि आप इतना इसको दिल से काम कर रहे हैं अब्दुल मुकीब, बहुत अच्छी बात है। और आज जो है थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीजें सीखते हैं। कुछ मैं प्लगइन्स आपको बताऊंगी कि आप जो है काम को स्पीड अप करने के लिए कुछ प्लगइन्स वगैरह कर लेते हैं। आज हम डिस्कस कुछ रेंडरिंग के हवाले से आपको मैं कुछ टेक्निक्स बताना चाह रही हूँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह अच्छा होगा। और आप लोग अगर कहीं पे कोई चीज कंफ्यूज कर रही है तो आप वो भी पूछ सकते हैं ऑब्वियसली। इसके अलावा आप लोगों ने, ठीक है, आप लोग अपना जो है ना फीडबैक भी जरूर मेरे से शेयर कीजिएगा कि मेरा आपको मेथड कैसा लगा पढ़ाने का, या आप लोगों को अगर कहीं पे कोई चीज नहीं समझ आई, कोई चीज कंफ्यूज कर रही थी, तो आप लोग अभी उस पर जो है पूछ सकते हैं, क्योंकि आज लास्ट क्लास है। तो मैं चाह रही हूँ कि अगर आप लोगों की मजीद कोई कंफ्यूजन्स हैं तो आज मैं वो भी क्लियर कर दूँ। ठीक है, ओके। मुझे बस 2 मिनट दे, मैं स्क्रीन कनेक्ट करूँ, फिर हम जो है ना स्टार्ट करते हैं 2 मिनट से स्क्रीन। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। ओके, आफ्टर इफेक्ट स्क्रीन आपको नजर आ रही है। ओके, ठीक है। इंशाल्लाह आपकी, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो इंशाल्लाह यू विल बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड इंशाल्लाह। बस करते रहें, पैशनेट होके आप काम करते रहें, और एवरीथिंग विल बी गुड इंशाल्लाह। ठीक है, ओके। आज जो है मुझे आपका प्रोजेक्ट रिसीव नहीं हुआ, आपने जो मुझे मेल किया ना,
मुझे वो नहीं मिली आपकी मेल अभी तक। मैं दोबारा से इसको रिफ्रेश करके चेक कर लेती हूँ। हर शाम मैं आपका भी लिंक चेक करती हूँ। ओके, आप मुझे जो है ना क्लास के बाद चाहे भेज देना। अभी हम स्टार्ट करते हैं, मैं आज काफी ज्यादा चीजें बताना चाह रही हूँ, तो टाइम जो है उसके लिए कम ना रह जाए। ठीक है, आपका हर शाम मैं आपका जो है वो भी अभी चेक करती हूँ। मैंने लिंक ओपन कर लिया वैसे, और मैं अभी वो भी देखती हूँ। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, सबसे पहले जो है आज हम करेंगे, कुछ चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ कि आज मैं क्या कवर करवाना चाह रही हूँ। बेसिक सी टेक्स्ट एनिमेशन, मेरा ख्याल है कि मैं प्लगइन्स बताऊंगी, हम उसके थ्रू ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप लोग क्विकली एक चीज़ बना सकते हैं। आपको सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है, और जैसे यहाँ पे मेरे पास मैंने ये किया हुआ है, प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है यहाँ पे, AE जूस पैक मैनेजर 4। ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर डिफरेंट आपके पास जो है ना एनिमेशंस वगैरह हैं, तो हम वो एक दफा देख लेंगे फिर आप लोग। ये फ्री है, आप इसको डाउनलोड कर सकते, पेड नहीं है ये। ठीक है, तो जो फ्री है मैं आपको वो बता रही हूँ। और उसके बाद जो है लिक्विड बैकग्राउंड ग्रेडियंट जो है वो किस तरह से बनाते हैं, ये एनिमेटेड ग्रेडियंट बैकग्राउंड किस तरह से बनाएंगे अभी हम वो देख लेते हैं। ठीक है, ओके, सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ लिक्विड ग्रेडियंट के साथ। ठीक है, मैं एक सॉलिड लेयर ले लेती हूँ, और इसके ऊपर यहाँ से हम जाके ऑप्शन ऐड करते हैं ग्रेडियंट का। आपके पास ग्रेडियंट जो है किसी सॉलिड लेयर के ऊपर ग्रेडियंट ऐड करने का जो है ऑप्शन होता है, कि यहाँ से आप यहाँ पे ग्रेडियंट पे जाएं, इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में जाके ग्रेडियंट सर्च करें, तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है, 4 कलर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट रैम्प। अगर ग्रेडियंट रैम्प ट्राई करते हैं तो इस तरह से आपके पास 2 कलर्स में ग्रेडियंट का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, आप जैसे लीनियर ग्रेडियंट अगर डालना चाह रहे हैं या रेडियल में डालना चाह रहे हैं, तो इस तरह ये आपके पास ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसका कलर थोड़ा सा देखो, ये आपके पास इसके पोजीशन एडजस्ट करने के पॉइंटर्स हैं, कि आप कहाँ से पोजीशन एडजस्ट कर सकते हैं, इसको आपने कितना ब्लेंड करना है ओरिजिनल के साथ। लाइक आपका जो ओरिजिनल वाइट कलर था लेयर का, आपने वो कितना रखना है इसमें। आपने कलर्स अगर स्वैप करने हो तो यहाँ से आप कलर स्वैप कर लेते हैं। ठीक है, आपने इसकी पोजीशन कहाँ की रखनी है, आप इसको सिंपल अगर आप इसको सिंपल रोटेट भी करवाना चाह रहे हैं ना, तो आप यहाँ पे की फ्रेम लगाए हुए हैं, आपकी इसमें इस तरह से रोटेशन आ जाती है। ठीक है, ये तो था हमारे पास 2 कलर्स का, लाइक सिंपल आपने 2 कलर्स का अगर ग्रेडियंट ऐड करना है ना, तो वो यहाँ से आप जो है ना उसको कर देते हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आप ज्यादा इसमें कलर ग्रेडियंट कलर्स ऐड करें, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है 4 ग्रेडियंट कलर्स इसमें आप जो है डाल सकते हैं। जैसे अब ये देखें, यहाँ पे मेरे पास 4 उसके कलर्स का ऑप्शन दिया उसने। ठीक है, मैं सिंपल सेलेक्ट करती हूँ, ये मैंने कलर लिया, मैं इसको भी एडिट करना चाह रही हूँ। ओके, यहाँ से मैं इसमें ठीक है, अब यहाँ पे हम इनको पकड़ के एनिमेट कर देते हैं। लाइक मैं इन पॉइंटर्स की, अच्छा आपको पता है यहाँ पे कलर्स के आगे हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है, तो इसका मतलब है हम कलर्स को भी स्विच कर सकते हैं। आपको वो भी दिखाती हूँ कलर का, मैं इन सब का की फ्रेम लगा रही हूँ ताकि मैं कलर और इनकी पोजीशन जो है वो चेंज करती रहूँ। ठीक है, मैं 5 सेकेंड की एनिमेशन पहले 1 सेकंड पे लगा लेते हैं, ये पॉइंटर मैं यहाँ मूव करती हूँ, ये पॉइंटर पकड़ा यहाँ, देखें इस तरह से। अब
अगर अच्छा इन की फ्रेम्स को लेके आने का तरीका ये होता है, यू प्रेस करें तो आपके जहाँ जिस जिस लेयर के ऊपर की फ्रेम होता है, वो की फ्रेम जहाँ जहाँ जितने भी लगे होते हैं ना, वो सारे नजर आ जाते हैं उस लेयर के ऊपर, ठीक है। जिस चीज पे मेरा कलर और पॉइंट का लगा हुआ है आ गया। अब मैं यहाँ पे कलर चेंज करना चाह रही हूँ इसका, देखिए, ठीक है। और इसका देखिए ये नीचे जो बार आ रही है, यहाँ पे भी वो कलर्स नजर आना शुरू हो गए, कि यहाँ पे ये ग्रेडियंट बन रहा है पर्पल से इस पिंक कलर पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आ गया, मैं यहाँ पे इसके ऊपर कलर पे भी मैं लगा देती हूँ अगर की फ्रेम, ठीक है, ये हो गया। इसके ऊपर कलर तो में लगाया की फ्रेम, ठीक है। ये देखिए मजीद मैं इसको यहाँ पे जाके फिर से अब की फ्रेम लगाती हूँ, अगर मजीद यहाँ पे कलर्स को मॉडिफाई करने जा रहे हैं वो। ठीक है, मैं अभी रैंडमली बस कलर्स चेंज कर रही हूँ ताकि मैं आपको चीज दिखा सकूँ। ठीक है, चीज समझ में आ रही है ना, सिंपल सारी गेम ही की फ्रेम्स की होती है, और यहाँ पे आपने डिफरेंट कलर्स के साथ जिस तरह से भी आपने प्ले करना है आप वहाँ पे उसमें कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप अगर मैं ये पूरे यहाँ पे की फ्रेम्स लगा देती हूँ, मैं फिर स्टार्टिंग वाले की फ्रेम्स यहाँ पे डुप्लीकेट करती हूँ ताकि टाइम सेव करें। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास बहुत से डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अगर मैं यहाँ पे ट्रेल का ऑप्शन लगाती हूँ डिस्टॉर्ट में, ठीक है, इसलिए कि ऊपर यहाँ पे हम ऐड करते हैं, ठीक है। अब अगर आप इसके ट्रेल को थोड़ा सा अगर एनिमेट करना चाहें, मैं इसकी थोड़ी सी जो है वो साइज में लेयर का बढ़ा देती, क्योंकि ट्रेल में क्या होता है कि आपका उस लेयर को डी शेप करता है, डिस्टॉर्ट कर देता है, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ ताकि मेरी वो चीज उसमें कवर हो जाए। मैं यहाँ पे लगाती हूँ की फ्रेम उसका एंगल का, प्रेस किया और ठीक है, वो जब कलर ही ग्रेडियंट का मूव कर रहे हैं ना, तो उससे भी फील हो रहा है कि आपका जो फील्ड का इफेक्ट है वो एनिमेट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आप उसको जो है अभी हालांकि एनिमेट नहीं कर रहा, तो आप उसको एंगल को आप की फ्रेम्स लगा सकते हैं कि आपने किस एंगल में करना है, जैसे ये देखो उसको आप उसके सेंटर जो है वो एनिमेट कर सकते हैं, सेंटर को आप की फ्रेम लगाए ना कर, और की फ्रेम स्टार्टिंग लगाते हैं। अच्छा, अब ये ट्रेल का रेडियस जितना होगा ना, ये आपका ब्लैक एरिया उतना आएगा, तो इस चीज पे नहीं कोई होना मसला। ये देखो ये, और ये देखो, ठीक है। इस तरह से आप इसके अंदर डिफरेंट जो है इफेक्ट्स ऐड करके आप इसको एनिमेट करवा सकते हैं।
समझ आ रही है चीज? जहां तक समझ आ रहा है आप लोगों को, कोई अगर कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हो। पहले अगर आप इसे पोजीशन भी आगे पीछे करते हैं ना, तो ये देखिए वो इफेक्ट्स वगैरह क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक है दिस दिस ट्रिब्यूट डिस्प्लेसमेंट अगर हम टर्बुलेंस ऐड कर देते, लाइक एक जिसे कह लें एक इफेक्ट क्रिएट करता है जिसमें आपके पास डिफरेंट चीजें भी, यहाँ पर अगर मैं इसे फिट करती हूँ ना, तो ये देखें आप जरा डिफरेंस नजर आएगा। अमाउंट मैं इसे बढ़ाती हूँ और ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी। अच्छा, इसके पीछे जो है ना पे कि हम बैकग्राउंड कलर एक और डालते हैं, ताकि हमारी जहाँ पे लेयर खाली हो रही है वहां पे वो चीज लाइक हम इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप इस तरह से इसमें अमाउंट, आप इसके की फ्रेम लगाए अमाउंट पे, आपने कितना टर्बुलेंस लेना है इसमें और उसका जो है वो बढ़ा देंगे काम करेंगे। ठीक हो गया, यहाँ पे देखिए डिफरेंट आप इस तरह से इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर। अब अगर मैं इसके अंदर, अब अगर मुझे इस टाइप की कोई एनिमेशन क्रिएट करनी है, जैसे यहाँ पे देखिए मैं दूसरी कंपोजिशन मैंने खत्म की, जैसे इस तरह आपको कुछ इफेक्ट देना है, ठीक है, तो आपको डिफरेंट टेक्निक्स डिफरेंट चीजें यूज कर रहे होते हैं, ये एनिमेट रेंडर हो रहा है साथ साथ। ओके, एक्चुअली ये लिक्विड वो आपको ग्रेडियंट एनिमेट कराने का बताया, ग्रेडियंट किस तरह से एनिमेट करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं ना, तो ये लिक्विड ग्रेडियंट इसको बोला जाता है। ठीक है, आप इसके अंदर डिफरेंट, मैंने इसको रेड और ब्लैक में किया, आप इसके डिफरेंट कलर्स रख सकते हैं। मैं अगर न्यू कॉम्पोजिशन लेती हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं एक बैकग्राउंड कलर हम ले लेते हैं इसी तरह से, इसको मैं लॉक करती हूँ। आप डिफरेंट शेप्स के साथ ट्राई कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे अगर स्टार लिया, मैं इसको डुप्लीकेट करती हूँ और मुझे डुप्लीकेट किया, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको रिपीटर का इफेक्ट लगा लिया। अगर तो आपने सेम, जैसे मैंने अभी सेम कलर में ही उसको बनाया हुआ था ना, एक आपके जैसे यहाँ पे ये रेड कलर में था, ठीक है, इस तरह से अगर आपने करना है ना, तो आप सिंपल इसमें रिपीटर लगा सकते हैं सेम कलर में करना, ठीक है। अगर आपने सेम कलर में नहीं करना, लाइक डिफरेंट कलर में करना है, तो आप क्या करेंगे, मतलब यहाँ पे आपका रेनबो कलर्स फॉर एग्जाम्पल करने हैं, ठीक है, तो आप उसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे डिफरेंट कलर्स के जो है ना शेप्स लेंगे। फिर मैं इसको अगर रेनबो कलर में लेके जाना चाह रही हूँ, तो मैं इसको डुप्लीकेट करती हूँ सबको और कंट्रोल डी के साथ डुप्लीकेट, यहाँ पे रख लेते हैं, फिर कंट्रोल डी से डुप्लीकेट और एक कॉपी इधर रख लें, ठीक है, मैं अभी यहाँ पे कंट्रोल डी, अच्छा कंट्रोल डी, ठीक है। अब इसके अंदर जो है, हम पहले तो इन सब के देखें, इनका इसका जो पिवट पॉइंट है वो यहाँ पे है,
जिससे क्या होगा कि आप जब एनिमेट कराओगे ना, फॉर एग्जांपल मैं अगर इसके अंदर रोटेशन डाल दूँ, ये देखो ये इस तरह से घूमेगा, इसका सबसे पहले हम इसका जो पिवट पॉइंट है, जो सेंटर पॉइंट है, वो एडजस्ट करते हैं। देखिए सबके यहाँ पे आ रहा है, तो सिंपल मैं कंट्रोल प्रेस करके डबल क्लिक करूंगी तो हर शेप का उसके अंदर बिल्कुल सेंटर में जाके वो एडजस्ट हो गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम ये करते हैं, सबके मैंने आर प्रेस करके सब लेयर्स की रोटेशन ऑन की है। इससे पहले यहाँ पे मैं अगर इनके कलर चेंज कर लूँ, कलर चेंज करने का तरीका ये होता है कि एक तो जाओ सिंपल यहाँ पे इनका फिल कलर चेंज कर दो, ठीक है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप इसको यहाँ पे फिल इफेक्ट डाल देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से मैंने लिया एक, किसी एक शेप के ऊपर डाल दिया। अब ये मुझे यहाँ पे डिफॉल्ट कलर जो इसका आता है ना फिल कलर, वो आता है रेड, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे इफेक्ट कंट्रोल में, मेरे पास इफेक्ट कंट्रोल में ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। मैं सिंपल क्या करते हो, अगर आपको एक लेयर के इफेक्ट सारे कॉपी करने हो ना, तो आप यहाँ पे लेयर इसके ऊपर क्लिक करो, कंट्रोल सी से कॉपी कर लो, अदरवाइज यहाँ पे करोगे तो कॉपी हो जाएगा, ठीक है। अब आप ये इफेक्ट जो है सब लेयर्स पे डाल सकते हो। कंट्रोल ए करती हूँ मैं इधर, और कंट्रोल वी किया मैंने, ठीक है। सब लेयर के ऊपर मेरा वो इफेक्ट जो है उस पर पेस्ट हो गया, कॉपी हो गया वहां पर, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं इनके कलर्स चेंज करना चाहूँ, ठीक है, मैं रेंडमली कलर्स इनके जो है, क्योंकि रेनबो कलर है तो मल्टी कलर्स में होता है, मैं अगर इनके डिफरेंट कलर्स रख देती हूँ यहाँ पे, ये रखा, इसको जो है कुछ इस तरह से, इसमें भी एक डार्क पर्पल करती हूँ, ठीक है। आपको अगर यही कलर्स कॉपी करने हो ना, तो आप यही कलर्स जो है कॉपी भी कर सकते हो, जैसे अभी पहले मैंने किया, इसको कलर ही रहने देते हैं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से क्विकली सबके कलर चेंज कर लेंगे, और मैं नहीं सबको पकड़ के डुप्लीकेट कर देती हूँ यहाँ पे, ये लेयर्स डिलीट करना ताकि टाइम सेव हो मेरा। मैंने लेयर्स पकड़ी, कंट्रोल डी किया और यहाँ पे लगा दिया। जी जी कलर की फ्रेम्स हम बना सकते हैं, और ये जिसके आगे भी, जिस चीज के जोन से भी ऑप्शन के आगे आपको इस तरह का ये स्टॉपवॉच का आइकन नजर आएगा ना, इसका मतलब है कि हम उसका की फ्रेम लगा सकते हैं, क्योंकि की फ्रेम का ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा जी मैंने ये सब का लिया, अब यहाँ पे हम ये करते हैं, इसके पीछे भी अगर हम डालें ड्रॉप शेडो किसी एक पे डालते हैं, और उस ड्रॉप शैडो को कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी के साथ। पहले इसके हम इफेक्ट सेट कर देते हैं, इसमें लाइक मुझे थोड़ा सा इसका डिस्टेंस ज्यादा चाहिए यहाँ पे, और कलर मुझे इसके वाला चाहिए, ठीक है। ओपेसिटी ऑलरेडी हमारी कम है, ये 57 है, तो उसका एडजस्ट हो जाएगा। इसी तरह से इसमें भी मुझे ड्रॉप शेडो चाहिए, मैं इसी का इफेक्ट कॉपी करती हूँ, सिर्फ कलर्स अब चेंज करने पड़ेंगे, कंट्रोल भी या सिंपल अभी हम वही कलर भी लगाएंगे, ठीक है। एनिमेशन आपने अगर करनी है ना, तो आपको बहुत पेशेंस के साथ इसमें जो है ना काम करना होता है, क्योंकि आपकी फाइल किसी भी टाइम पे करप्ट हो सकती है, किसी भी टाइम पे आपका जो है काम जो है खत्म हो सकता है। तो इसलिए सबसे पहले काम यही करना है कि सेव करने की आदत बनाएं, ताकि आपका जो काम है, अगर आपका सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर हैवी काम होने की वजह से किसी भी टाइम पे बंद हो जाते हैं, सॉफ्टवेयर क्रैश कर जाता है, तो इसलिए उसको जो है ना, नहीं, डायरेक्ट अटैक नहीं है ये डायरेक्ट अटैक नहीं है, आपको सेफ साइड पर रखने के लिए। क्योंकि देखिए अगर आपने क्लाइंट का जो है आपने उसको काम डिलीवर करना होगा,
और आप कहेंगे कि उसके सबमिशन के टाइम पे फाइल चले जाती है, तो क्लाइंट तो क्या आपका ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं ना फिर, कि उसको होता है कि आपने काम ही नहीं किया, आपने काम भी किया होता है, मेहनत भी की होती है। तो इसलिए सबसे पहला काम जो आपने करना होता है वो आप फाइल सेव किया करो, और उसको जो है ना ऑटो सेव पे लगाओ, ठीक है? डायरेक्ट अटैक नहीं है, आप सिंपल एक्चुअली ये प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी कि आप जो भी काम है वो साथ साथ सेव करते रहें, इवन नॉर्मल सॉफ्टवेयर भी क्रैश कर जाता है। ओके ग्रेडियंट, ठीक है। अच्छा, इनका मैंने सबका एडजस्ट कर लिया, और इसके बाद थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, मीटिंग का टाइम हमारा खत्म होने लगा है, तो आप मीटिंग रीज्वाइन कर लें, और उसके बाद जो है ना मैं आपको इसका आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ यहाँ पर, आप लोग सब भी रिज्वाइन कर लें इसको।